गांव सादात नगर एकला के लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बनने से रोका। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के दासना देहात में एक डंपिंग ग्राउंड प्रशासन बना रहा है जो आबादी के नजदीक 100 मीटर की दूरी पर आ पाती है। आज ग्रामीणों ने उसका कार्य रोका और भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और सभी ने एक सुर में आवाज उठाई, यहां डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे हम लोगों को जेल जाना पड़े। अगर हमें आंदोलन चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। इसमें तीन गांव के लोग मौजूद रहे। एकला, गुर्जर गली, सुकनपुरा 100 मीटर की दूरी पर गांव बसे हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन इन गांवों के बीच में कूड़ा घर बना रहा है, उसी के विरोध में भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर, नगर अध्यक्ष मनोज चौधरी, अंकित गुर्जर, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे के लिए प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां पर नहीं बनने देंगे डंपिंग ग्राउंड। इसमें विजेंद्र शर्मा, सतपाल नागर, जसवीर नागर, रेणु जसवंत, नितिन प्रधान, महेंद्र प्रधान आदि किसान मौजूद रहे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। दिन भर आज जो मीडिया को बुलाया गया है एकला गांव में, क्या मामला है? ये आबादी के नज़दीक जो है डासना देहात, ये मिसलगढ़ी, कल्लूगढ़ी, भूड़गढ़ी, पूरे डासना देहात का कूड़ा ये हमारे गांव के पास में गिरना चाह रहे हैं। इस गंदगी से पूरे क्षेत्र में बदबू फैलेगी। ये भूड़गढ़ी, कल्लूगढ़ी और मिसलगढ़ी ये अपने कूड़े का अपने गांव में समाधान करें। हमारा गाँव इकला है, हम अपने कूड़े को कहीं नहीं गिरते, उसका समाधान अपने गाँव में करते हैं। गुजरगढ़ी अपने गांव का समाधान अपने गांव में करेगा, और ये सुकनपुरा पड़ता है, सुकनपुरा का कूड़ा वो समाधान अपने गांव में करेंगे। जिस गांव का कूड़ा है उसका निस्तारण अपने गांव में ही करें, वो पूरे क्षेत्र की गंदगी हमारे गांव के पास में नहीं गिरने देंगे। तो इसके लिए आपने आवेदन दिया? हमने LIU के माध्यम से और पुलिस प्रशासन और जो है डासना देहात के प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से हमने सूचना दे दी है, और कल इन्होंने यहाँ पर JCB चलाने का काम करा है। वो हमने कल जाके पूरे गांव के लोग आए थे जिन्होंने इस JCB को कल उनका काम हमने रुकवाने का काम किया। अब क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। प्रशासन अभी इसे जो है हट पकड़े हुआ कि हम यहीं पर बनाएंगे, ये हम बनने नहीं देंगे, जोक से हमें जेल जाना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े। भैया क्या मामला है आज एकला गांव में मीडिया को बुलाया गया? ये मामला है डासना देहात का जो कूड़ा करकट पूरा कबाड़ा यहां पे इकट्ठा करा जाएगा, और हम जो गांव वाले सभी ये कह रहे हैं कि यहां कोई सरकारी अस्पताल, स्कूल, ऐसी चीज़ LMC गवर्नमेंट के, हम LMC के लिए तैयार बैठे छोड़ने के, लेकिन कुछ और चीज़ देवे यहाँ, ये कूड़ा हमारे सिर पर 1 लाख पे ला के ना गिरा, बस यही हमारा कहना। बाकी यहाँ प्रशासन से भी हम मिलेंगे, अभी SDO से मिलेंगे और भी जाएंगे इसकी, हालांकि प्रशासन जिद कर रहा है। हम वो प्रधान जी ने बताई थी कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। आज इंतज़ार भी हुआ हमको, प्रशासन यहाँ आ रहा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। जैसे कुछ लोगों का भी कहना है यहाँ पर लोग कई साल पहले लोग भी इस ज़मीन पर रहते थे, क्या मामला है इसमें? सही बात है, हाँ रहते थे, लेकिन प्रशासन ने, कुछ सरकार ऐसी आई है अब बढ़िया वाली, उन्होंने इनके मकान वकान यहाँ ढाडू दिया, ये ढाया पड़ा ये सामने भी। अब ये जो डंपिंग ग्राउंड का मामला है, अब आप लोगों को क्या इरादा है? यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनने नहीं देंगे? यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड तो हम बनने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। अस्पताल ये चीज़ बनाओ, हम तैयार हैं सहयोग करने के लिए, मतलब कॉलेज, अस्पताल, स्कूल जो भी बनाओ, लेकिन डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। डंपिंग नहीं।